हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ ये स्पाइरल बेक पोटैटो, जिसको मैंने टोमेटो सॉस और होममेड एगलेस मेयोनीज के साथ सर्व किया है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, मैं इसको ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती। तो आप देखिए इसकी रेसिपी कैसे बनानी है और मैं इसको करती हूँ फिनिश। तो यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने ओवन को प्रीहीट होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए 210 डिग्री पे, और उसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट को बनाना शुरू करेंगे। एक कटोरी में मैं लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून घी। घी आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो आपको इसमें सॉल्ट नहीं डालना है। मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करूँगी। और घी या बटर आपको उतनी क्वांटिटी में लेना है कि आपके सारे पोटैटोज़ को, आलूओं को हम उसमें अच्छे से मिक्स कर सकें। 1/8 TSP काली मिर्च का पाउडर, 1/2 TSP कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 TSP मिक्स ऑरिगेनो। यहाँ मैं घी यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं इसमें 1/8 TSP डालूँगी नमक। अगर आप बटर यूज़ करें उसमें सॉल्टेड, तो फिर नमक यूज़ ना करें। 10 से 12 बड़ी लहसुन की कलियाँ थी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गार्लिक बटर रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ मैंने लिए हैं 6 आलू, और इसको मैंने छील के धो लिया है अच्छे से। आप चाहें तो इसे छिलके के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास ओवन का स्टील का स्क्यूअर है, इसको मैं इस आलू में डालूँगी, और उसके बाद हम इसे एक तरफ से कट करना शुरू करेंगे स्पाइरल में, पतले पतले स्लाइस। और बीच में इसकी ये स्टिक डली हुई है, इस वजह से आलू पूरा नहीं कटेगा, तो ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा पास पास आप जितना कर सके उतना ही करें। बहुत ज़्यादा पास भी ना करें कि आलू बीच में से कट जाए, और खैर कट भी गया तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस तरीके से करने में दिक्कत आए तो आप इसके गोल गोल स्लाइस भी कट कर सकते हैं, और फिर एक एक उसका स्लाइस अलग अलग इसमें स्टिक में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो आलू हैं उनको मैं कट कर चुकी हूँ, और उसको धीरे धीरे थोड़ा सा मैं दूर करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से करें, क्योंकि आलू थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी प्रेशर पड़े और वो टूट जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे आलूओं को हमें स्टिक में इंसर्ट करके और उसको कट कर लेना है। और यहाँ पे इसके साथ ही एक आपको मैं दूसरा तरीका और बताती हूँ, आप उस तरीके से भी आलूओं को रख सकते हैं कट करके। यहाँ मैं नीचे की तरफ, यहाँ मैंने सेंटर में नहीं किया है, देखिए नीचे की तरफ मैंने इस स्टिक को घुसाया है, और इस तरीके से मैं पास पास में इसके स्लाइस कट कर लूँगी। इससे हमारा जो आलू है वो नीचे की तरफ से जॉइंट रहेगा और ऊपर की साइड से कट होगा। और इस वाले आलूओं को मैं स्टिक में नहीं बेक करूंगी, इसको मैं अलग से ट्रे में डालूंगी। यहाँ पे मैंने ट्रे में लिया है बेकिंग पेपर, और इसको मैं निकालूंगी ट्रे के ऊपर।
इसको मैं स्टिक के साथ नहीं बेक करूँगी, ताकि जब ये बेक हो तो बहुत अच्छे से इस तरीके से ये थोड़ा सा खिल जाए। और इस पे हम लगाएंगे हमारा गार्लिक बटर। कोशिश करें हमारा जो बटर है वो इसके स्लाइसेस के थोड़ा अंदर अंदर तक भी जाए। और दूसरा हमारी जो ये स्टिक्स है इसके ऊपर भी अच्छे से हम बटर लगाएंगे, इसके ये स्लाइसेस जो कट है उनमें भी। तो यहाँ पे जो ट्रे है वो रेडी हो चुकी है। मैं इस पे थोड़ा सा मिक्स्ड ऑरिगेनो और छिड़कूंगी। मिर्ची और ऑरिगेनो का टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अब हम बेक करेंगे 30 से 40 मिनट के लिए सेम 210 डिग्री के टेम्परेचर पे। अगर आपका ओवन छोटा है तो हो सकता है कि ये 30-35 मिनट में हो जाए। अगर आपके ओवन का साइज़ बड़ा है तो हो सकता है ये 40 मिनट ले ले। तो इसके 30 मिनट के बाद जो बेकिंग टेम्परेचर और टाइमिंग है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको दिखाती हूँ इसको बेक होने के बाद ये कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे 40 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से हमारे जो वो आलू हैं वो बेक हो चुके हैं। ये मैंने 40 मिनट का टाइम दिया था। मेरा ओवन जो है वो 60 लीटर का है, बड़ा है, तो इसलिए इसमें टाइम 40 मिनट लगा है। 30 मिनट जब हो गए थे तो मैंने इस स्टिक को इस तरीके से पलट दिया था ताकि दोनों तरफ से हमारे आलू बेक हो सके। और आप देख सकते हैं ये हर तरफ से बहुत ही अच्छे से ये बेक हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। तो इसकी हम करेंगे प्लेटिंग। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।